जोधरा, तुम वहां पेट पकड़ कर क्यों बैठे हो? यहाँ आकर नचनिया का नाच देखो और मजे करो। क्या करूं सरदार, बड़े जोर की टट्टी लगी है। टट्टी लगी है तो टट्टी करने क्यों नहीं गया? डर लग रहा है सरदार, काफी अंधेरा है बाहर। आप चलो ना मेरे साथ सरदार। अबे मैं क्यों जाऊंगा तेरे साथ? बस आप वहां साइड में खड़े रहना। गजोधरा, वह भयंकर नजारा मैं बर्दाश्त ना कर पाऊंगा, तो अच्छा यही होगा कि तुम ही अकेले जाओ। चलो ना सरदार, काफी जोर की लगी है, बस बांध टूटने ही वाला है सरदार। अबे तो यहाँ बैठा क्यों है, जल्दी निकल यहाँ से। सरदार सरदार, मुझे सांप ने काट लिया है सरदार। ये देखो, सांप ने हाथ में ही खेल कर दिया है। मुझे तो लगता है इसे कोबरा ने काटा है, लेकिन कोबरा तो बहुत ही जहरीला सांप है, उसके काटने से आदमी की मौत तक हो जाती है। अभी मैं मरना नहीं चाहता सरदार, अभी मैं कुंवारा हूँ सरदार। सरदार चलो गजोधरा को अस्पताल लेकर चलते हैं। अस्पताल यहाँ से तो बहुत दूर है, कुछ और सोचो। सरदार जल्दी सोचो, जहर यहाँ तक पहुँच चुकी है। सरदार सुना है भरतपुर में एक सपेरा रहता है, उसके पास लेकर चलते हैं गजोधरा को। सुना है वो सांप के काटे हुए आदमी को बचा लेता है। अबे अगर हम सब वहाँ गए तो पुलिस की नजरों में आ जाएंगे। तुम दोनों चुपके से उसके पास जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। बड़ा डर लग रहा है सरदार, कहीं सांप हमें भी न काट ले। आप जाओ ना सरदार। जाते हो कि नहीं, कि ठोकू यहीं पे? सरदार लगता है जहर मुंह तक आ गया है। तुझे कैसे पता चला कि जहर मुंह में आ गया है? थोड़ा थोड़ा जहर का स्वाद आ रहा है सरदार। सरदार गजोधरा तो नीला होता जा रहा है। लगता है अब ना बचूंगा। सरदार ये रहा सपेरा, इसे सोते हुए ही उठा लाए हैं यहाँ, जल्दी जगाओ इसे। अबे उठ, अबे उठ, उठ। क्यों इतनी रात को जगा रही हो डार्लिंग? काफी रात है, अभी सोने दो ना। डार्लिंग अभी बताता हूँ तुझे। भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भागो भागो, जल्दी से भागो। आए तुम लोग कौन हो भाई? मेरा घर कहाँ गया? मैं कहाँ पर हूँ और ये कौन सी जगह है? अब समझ आया कि एक झापड़ और दूँ? नहीं, मैं समझ गया, इसको कोबरा ने काट लिया है। इसकी हालत बहुत खराब है, जल्दी से इसे ठीक करो। हाँ भाई बताओ, कहाँ सांप ने खेल कर दिया है तुम्हारे साथ? अरे बाप रे, इसे तो कोबरा ने काटा है। माफ करना, इसे मैं नहीं बचा सकता। तो ये कैसे बचेगा? इसे तो अब वही सांप बचा सकता है जो इसको काटा था। सरदार मैं नहीं जाऊंगा सांप को लाने, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। सांप यहाँ खुद भागा हुआ आएगा। वो कैसे? वो ऐसे। अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। कब आएगा सांप? बस सांप पहुंचने ही वाला है। लगता है अब वह नहीं आएगा। तो इतनी देर से क्या मुजरा कर रहा था? नाराज ना हो, अब मैं मंत्र फूंक कर इसे ठीक करूंगा। मंत्र काफी ताकतवर है, तू
तुम लोगों को कुछ हो ना जाए इसीलिए तुम सब साइड में हो जाओ। ओए होए आहा, 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 ओए होए आहा। लगता है मंत्र भी काम नहीं कर रहा है। अबे तेरा कुछ काम नहीं करेगा, जल्दी से इसे सही कर, नहीं तो तू सही नहीं रहेगा। गुस्सा ना हो, मैं अपने साथ हमेशा सांप लेकर चलता हूँ, अब सांप से ही चुसवाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पास सांप तो है ही नहीं, ये रहा। चल पारो चूस ले जहर। यहाँ पारो कौन है? वो क्या है ना, ये मादा सांप है, इसीलिए मैं इसका नाम पारो रखा हूँ। लेकिन ये तो जहर चूस ही नहीं रही, लगता है इसने आज करवा चौथ का व्रत रखा है, इसीलिए जहर चूस नहीं रही। लेकिन घबराइए नहीं, मेरे पास एक और सांप है, देखना अब ये कैसे जहर चूसता है। अब ये जहर क्यों नहीं चूस रहा? ओहो याद आया, ये सांप तो पारो का मर्द है, इसी के लिए तो पारो ने करवा चौथ का व्रत रखा है। जाहिर सी बात है, अगर पारो कुछ नहीं खाएगी तो इसका मर्द कुछ कैसे खा सकता है। कितना ज्यादा प्यार है दोनों में, कसम से रोना आ गया। काश इतना ही प्यार मेरी बीबी मुझसे करती। सरदार गजोधरा और नीला होता जा रहा है। अबे कमीना, तू इसे यहाँ बचाने आया है कि दो सांपों के प्यार का बखान करने आया है? घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, मेरे पास एक सांप और है। अबे तेरा पिछवाड़ा है या फिर गोदाम, एक के बाद एक चीजें निकालता ही जा रहा है। ये आखिरी वाला है और ये जहर जरूर चूसेगा। अब इसे क्या हो गया? ये तो पहले से ही टिका रहा है, जहर कब चूसेगा? दरअसल एक बात बताना भूल गया, ये पारो का आशिक था, पारो ने इसे धोखा दे दिया, तब से बेचारा पारो की याद में पी रहा है।